हमने बात की। 70 साल हो गए आजादी को, किसानों की बात हो रही थी उत्तम खेती, आज क्या हो गया है घटिया खेती। बच्चे खेती नहीं करना चाहते यार, देखो नारेबाजी में लगा दो उनको, आप जैसे बर्बाद करना कर दो, क्राइम में डाल दो, नशे में डाल दो। पर हकीकत यह है उनका बाप जब उनसे कहता है बेटा नहर का पानी आया है जाके नाका बदल दे, तो बाप से कहते हैं ये विरासत की बात होती है, शांति विरासत की बात होती है। शांति विरासत में सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसानों का है, और वो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर दिया है, उसको हत्या के कगार पे लेके आए हैं सरकार। सरकार हत्या की दोषी है, आपकी या बोला की समझना पड़ेगा। ये विरासत को आगे लेके जाएंगे क्या, यही विरासत लेके जाएंगे हम आगे, जिसमें आज 4 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। समझने की बात है, जीने की बात है। और मैं दावे से कहता हूं, झंडे की जोर से कहता हूं, क्योंकि मैं यहां देखता हूं आधा उत्तर प्रदेश का पद है। आप सबको मालूम है पिछले 20 साल में जब पूरे देश के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी होगी, तो उत्तर प्रदेश में आंका 1000 का लीडर हमारे यहाँ 50 लाख करना किसान है, देश समय पैसा मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड आ रहा है, और आज तो हमने याद दिलवाने का भी काम कर दिया थे फोन कॉल के माध्यम, वो सरकार ने माफ कर दिया, सरकार के खिलाफ गए हाईकोर्ट ने उसको भी कहते डिसीजन खारिज करा दिया, कि दूसरी सरकार के पास आया, अब ये भी सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और हम दावे से कह सकते हैं ये कृषि प्रधान है हमारे बात कर, हम इसमें एक एक पैसा हम ब्याज का, क्योंकि हम जब खेती करते हैं ब्याज लगाते हैं, ब्याज देते हैं खाद के लिए बीज के लिए, और जब हमें पैसा टाइम पे नहीं मिलता विलंब के कारण हमें दिल्ली तक देनी पड़ती है, वो पैसा पूरा हमें मांग लेते हैं। आपका लोन है सारा लोन माफ होगा, जीतने के बाद
किसानों के साथ जो 2 साल 3 साल में हुआ है आगे बढ़े बहुत बहुत।